नमस्ते है जी दोस्तों, एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों आज हम खाशो मेडिटेशन या गाशो मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। जब आप रेकी मास्टर बन जाते हैं, स्पेशली रेकी मास्टर, रेकी चैनल, रेकी हीलर, देन रेकी मास्टर। रेकी मास्टर वो होता है जो किसी को भी रेकी हीलिंग दे सकता है, सिखा सकता है, रेकी अट्यूनमेंट दे सकता है। मेरे वीडियो पे आपको सेल्फ अट्यूनमेंट करना सिखाया गया है, आप सेल्फ अट्यूनमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गुरु के माध्यम से ही लेना चाहते हैं। तो जब आप मास्टर लेवल कर लेते हैं, तब आप मास्टर लेवल आपको होनशा जेशुनिन का अट्यूनमेंट मिलने से हो जाता है। तो सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट जब आप ले लेंगे, जिसमें आपको होनशा जेशुनिन मिल गया है, तब आप मास्टर बन जाते हैं। लेकिन मैं दिल से ये मानता हूँ कि तीसरा लेवल, जब डाइकोमियो का अटूनमेंट आपको मिल जाए, तभी आप सही मैनर में मास्टर बनते हैं, सही मैनर में गुरु बनते हैं रेकी के। बाकी सेकंड लेवल के बाद भी आप तैयार हैं, लेकिन सही मायने में परिपक्व आप तीसरे लेवल पे होते हैं। आज हम गाशो मेडिटेशन उन मास्टर्स के लिए बता रहे हैं जो मास्टर्स रेकी सेकंड लेवल या थर्ड लेवल कर चुके हैं। फर्स्ट लेवल वालों के लिए सेवन चक्रास का हीलिंग ही सबसे पहला काम है। सेकंड लेवल या थर्ड लेवल कर चुके मास्टर्स के लिए ये गाशो मेडिटेशन उनकी शक्तियों को बढ़ाता है, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जाकर मिलाता है, उनके ज्ञान को, उनके समर्पण को ब्रह्मांड से जोड़ता है, ताकि सीधे शक्ति ब्रह्मांड से उन्हें प्राप्त हो। ये सारे मेडिटेशन हम लोगों ने हमारे बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पूरे किए हुए हैं, सीखा है, सही जगह पे करके हमने इसे जाना है, महसूस किया है। आज बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सिखाऊंगा और आपको ये समझना है कि ये आपके हीलिंग वाली इस लाइफ के लिए, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रेकी हीलर बन के रहना चाहते हैं तो इट्स ओके, आपको ये सीखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सेवन चक्रास की हीलिंग करते रहिए। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रोज़ या कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन ये गाशो मेडिटेशन करना चाहिए। विधि बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि रेकी कॉलिंग से पहले सबसे पहले आपको पानी पीना होता है, लेकिन गाशो मेडिटेशन आपका मेडिटेशन है तो आपको पानी ज़रूर से पीना है। इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, कुछ चंट्स लिखे हुए हैं, जिसके बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाटर हीलिंग टेक्निक कैसे होती है। अभी इसके बारे में मत समझिए। सबसे पहले पानी ग्रहण कीजिए, एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आप पानी को ग्रहण करते हैं। आपके स्टमक में जब पानी होता है तभी हीलिंग एनर्जी को वो थाम पाता है। गहरी सांसें लीजिए। अब आप समझिए, रेकी हीलिंग को कॉलिंग करना मैंने अपने एक वीडियो में सिखाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, उससे आप समझ लीजिएगा। और ब्रीफली मैं आपको अभी लाइटली बताता हूँ कि आप कॉलिंग करने के टाइम क्या बोलते हैं। हे ब्रह्मांडी शक्ति, हे ब्रह्मांडी चेतना, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे महान प्राण शक्ति, हे महान रेखी ऊर्जा, मेरे परम पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं की कृपा से, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, ब्रह्मांड से उतरिए, उतरिए मेरे सहस्त्रार चक्र में समाकर, मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हथेलियों में स्पंदित होइए। और इस रेकी हीलिंग में, इस रेकी के इस मेडिटेशन में मुझे अपनी ऊर्जा से भरिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे इस जगह पे खड़े होने की क्षमता दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, साहस दीजिए। इस तरह से आप रेकी कॉलिंग करते हैं। फिर आप सबसे पहला काम जो होता है, चौकोरे को ड्रॉ करते हैं अपने एक हाथ पे, फिर दूसरे हाथ में चौकोरे को ड्रॉ करते हैं। टेक्निक पूरी तरह से सिखाया गया है, जाके देखिएगा उस वीडियो में, आपको ब्रीफली समझ में आएगा। तो मैं अभी सीधा करके दिखा रहा हूँ। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, ब्रह्मांड में उछाल दिया, वहाँ जाके नष्ट कर दिया। फिर चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, देन सहेकी 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 सहेकी,
स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। अब आपकी यात्री तैयार हो चुकी है। नाउ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध, ब्रह्मांड में ले जाके नष्ट कर दिया। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सेह की सेह की सेह की, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर, या फिर ऊर्जा का बैलेंस हो बैलेंस हो बैलेंस हो। चौकुरे का रंग सफ़ेद होता है, सेह की का रंग लाल होता है, ये सारी बातें आपको पहले से बताई जा चुकी है। नाउ अब आप दोनों हथेलियों को रब कीजिए, आपकी हथेली पूरी तरह से तैयार है। दो तीन बार ठोक लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अब आप बनाइए आकाश में चौकुरे। अब मन ही मन ये अफर्मेशन दीजिए, महान चौकुरे की ऊर्जा, सफेद रंग की ये रोशनी मेरे शरीर को शुद्ध कर रही है, मेरे ऑरा को शुद्ध कर रही है, मेरी आत्मा को शुद्ध कर रही है, मेरे तन मन को शुद्ध कर रही है। और इस तरह से सारी अशुद्धियों को निकाल के ब्रह्मांड में उछाल दीजिए और वहाँ नष्ट कर दीजिए। फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सफेद रंग की ऊर्जा आप पर उतर रही है, आपके ऑरा में समा रही है, आपको ऊर्जावान बना रही है, आपको ओजस्वी और तेजस्वी बना रही है, आपको सामर्थ्यवान बना रही है, आपको धैर्यवान बना रही है, आपको जबरदस्त ऊर्जा से क्षमता से विचारों के सुदृढ़ता से भर रही है। इस अफर्मेशन के साथ, इस कल्पना के साथ अब आप बनाइए सेह की लाल सुर्ख लाल रंग की ऊर्जा आप पर उतर रही है, आपकी सारी ऊर्जा को बैलेंस कर रही है, आपकी सारी शक्तियों को बैलेंस कर रही है, परमात्मा का प्रेम आप पर बरस रहा है, आपकी सोच आपके विचार बैलेंस हो रहे हैं, आपकी शक्तियां बैलेंस हो रही है, आपका जजमेंट पावर बढ़ रहा है, आप अंदर से धैर्यवान बनते जा रहे हैं। धैर्यवान मतलब मेरा नाम नहीं, वो मैं नहीं हूँ, धैर्यवान जिस चीज़ को बोला है धैर्य से भरा हुआ, पेशेंस से भरा हुआ, क्योंकि बैलेंस होना धैर्यवान होने का प्रतीक है। अंदर से आप धैर्य से भर रहे हैं, पेशेंस से भर रहे हैं। इसके बाद आप अगला बनाएंगे होंश अजय सुनेन, होंश अजय सुनेन, होंश अजय सुनेन, होंश अजय सुनेन। हर बार जो भी चिन्ह बनाएंगे उसका इंचेंट 3 बार करेंगे, चाहे मन में हो चाहे मुंह से हो। गोल्डन कलर की ऊर्जा आप पर उतर रही है, सुनहरे रंग की ऊर्जा आप पर उतर रही है, आपको परमात्मा से जोड़ रही है, आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ रही है, क्योंकि ऊंचा जश्न इनका काम ही है यहां से वहां को जोड़ना, आपकी ये दिव्यता आध्यात्मिकता परम को से मिल जा रही है, मिल रही है, शक्तियाँ परमात्मा से जुड़ रही है, बहुत ही बढ़िया। ये करते करते ही आप आनंद से भर जाएंगे, जैसे अभी मैं भर चुका हूँ, और अंदर गहरे समाने लगेंगे। अब इसके बाद आपने 3rd लेवल में डाइकोमियो सीखा हुआ है, अब आप बनाएंगे डाइकोमियो। दोनों हाथ से भी बना सकते हैं, डाइकोमियो का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि दोनों हाथ से बनाया जा सकता है। बैगनी रंग की रोशनी आप पर उतर रही है और अब आप एक गुरु तत्व से भर रहे हैं। बैगनी रंग की रोशनी आप गुरु तत्व से भर रही है, आपकी सारी ऊर्जा अब मनो पूरी तरह से इस ब्रह्मांड द्वारा मान्यता प्राप्त होते जा रही है। आपका करना कहना सोचना विचार करना सब एक गुरु की तरह होने लगेगा, एक मास्टर की तरह। हर मरीज की बीमारी को आप समझ पाओगे, उनके मानसिक स्थिति को समझ पाओगे। ये बैगनी रोशनी आपको उस शक्ति से भर रही है। आप अपने इन दोनों हाथों को जिसमें पहले ही चौकुरे बना हुआ है, नरेकी का कोई भी सिंबल सीखा है, चाहे वो मिदास स्टार हो, चाहे जोनार हो, चाहे कुछ भी, या रामा हो, गणेशा हो, जो भी,
एक सिंबल ड्रॉ करेंगे अपने अनाहत चक्र में। और जिन्होंने ये नहीं सीखा करुणा रेखी, थर्ड लेवल तक जिन्होंने सीखा हुआ है, वो जो ड्रॉ करेंगे चौकुरे 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 और ड्रॉ करेंगे सहेगी 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 और दोनों सिंबल को अपने अनाहत चक्र में रख लेंगे। हे परमपिता परमात्मा, मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए धन्यवाद, मुझे हीलिंग पावर से भरने के लिए धन्यवाद, मेरे हृदय में करुणा को भरने के लिए धन्यवाद, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरे मरीजों के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इस वातावरण के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इन जानवरों के लिए, आसपास के पेड़ पौधों के लिए, मेरे अंदर जो करुणा है उस बात के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, बिल्कुल अपनी तरह मुझे बनाइए, अपनी तरह उदार बनाइए, अपनी तरह सामर्थ्यवान बनाइए, अपनी तरह धैर्यवान मुझे बनाइए, अपनी तरह विचारशील बनाइए, अपनी तरह सोचने समझने की क्षमता से भरा हुआ एक दिव्य पुरुष दिव्य इंसान बनाइए। हे परमपिता परमात्मा, मैं एक निहायत ही छोटा सा इंसान हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। गुरुओं द्वारा जो थोड़ा बहुत सिखाया है, वो थोड़ी बहुत चीज़ों को मैंने सीखा है, उसके अनुसार मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, भरिए मुझे अपनी दिव्य शक्ति से, ताकि आपके दिए हुए इस काम को मैं अच्छे से निभा सकूँ, संसार का भला कर सकूँ। मेरे मालिक, शुक्रिया। इस तरह से आप अभूतपूर्व ऊर्जा से भर जाएंगे, आपका मन, आपका तन शांत हो जाएगा, आप अपनी हथेलियों में, अपनी ऑरा में एक दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, अपनी शक्तियों को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, सुख और आनंद से भर जाएंगे। बस एक खुमारी सा आपके अंदर छाया जाएगा, एक तरह का नशा आपके अंदर चढ़ जाएगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ा होगा, आप बहुत ही ज्यादा खुश, अनायास ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। और इसी स्थिति में बने रहने का मन रहेगा आपका, इसलिए किसी ऐसे टाइम पे करना जी। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, उस टाइम ध्यान की अवस्था में जो समाधि का सुख मिल रहा था ना, मैं उसमें भावविभोर हो गया, मैं भूल ही गया था कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो सुख ही कुछ ऐसा है, कुछ दिनों के अभ्यास से ही वो सुख को आप भी महसूस कर पाएंगे। ज़रूर कीजिए, गाशो मेडिटेशन आपके लिए कुछ दे ना दे, आपको तुरंत सुख देगा, हर चिंता से मुक्त करेगा, आपको ऊर्जा से भरेगा। ये मेडिटेशन आपके हमेशा काम आएगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके जीवन के सुख की कामना करता हूँ। एक अच्छी हीलर बने, इस बात के लिए परमपिता परमात्मा से
आपके लिए प्रार्थना करूंगा।